ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सारा सामान देखकर आप समझ गए होंगे कि आज वीडियो होने वाला है हमारे पैरों के ऊपर। हम अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ही ध्यान देते हैं, अपने हेयर के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर, मगर सबसे ज्यादा कम ध्यान जाता है तो वो होता है हमारा पैर। ऐसा लगता है पैर के ऊपर क्या देखना है, बस मेरा फेस क्लीन हो जाए। तो पैरों के लिए आज हमने बनाया है वीडियो जो कि है रिक्वेस्टेड मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने बोला है कि फिट क्लीनिंग का भी वीडियो हमें देखना है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट पैर क्लीनिंग वाला वीडियो। अगर हमारे पैरों में से आती है बदबू या डेड स्किन बहुत ज्यादा है या उसको क्लीनिंग का टाइम नहीं रहता है तो हमें कम से कम महीने के अंदर एक बार एटलीस्ट टू टाइम करना चाहिए। पर आपके पास टाइम नहीं है तो महीने में एक बार, और उसके साथ ही हमारे पैरों के ऊपर हम क्या क्या लगाकर अपनी स्किन को, जो पैरों की स्किन है जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है हमारी, उसको क्लीन करने के लिए, नीट रखने के लिए, डेड स्किन निकालने के लिए, सनटैन निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये वीडियो में हम आज जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम रेगुलर नेल पेंट यूज़ करते हैं तो हमें उसको रिमूव करना है, क्योंकि रेगुलर नेल पेंट यूज़ करने से हमारी स्किन है वो डैमेज हो सकती है। तो जब हम फूड क्लीनिंग करें, अपना पैर की सफाई करें, तभी हमें नेल रिमूवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने कोलार बार के नेल रिमूवर से उसे रिमूव कर लिया है। नेक्स्ट, इस तरीके से टब के अंदर कुछ हाइजीनिक मीन्स क्लीन वाटर के अंदर इस तरीके से नमक यानी कि सोल्ट ऐड करके थोड़ा सा वार्म वाटर हमें फिल करना है, और इस तरीके से अपने पैरों को अंदर डुबो कर मीन्स डीप करके अपने पैरों को 10 टू 15 मिनट्स तक इस तरीके से हमें बैठना है और अपने पैरों को रिलैक्सेशन फिल कराना है, क्योंकि हम इसी के ऊपर पूरा दिन दौड़ते रहते हैं। तो 10 टू 15 मिनट्स गर्म पानी में हमें इस तरीके से अपने पैरों को रखना है। फिर बाहर निकाल कर, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही थी तो मैंने इसे पोंछा भी नहीं, ऐसे ही रहने दिया। इसे टॉवल से क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट, मैंने लिया है नेल कटर फ्रेंड्स, और अपने नेल्स को कर रही हूँ कट। आफ्टर 1 वीक हमें नेल कट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो अंदर कचरा जमा होता रहता है। फिर मैंने लिया है ये नेल फाइलर, जिसे मैं अपनी नेल्स को क्यूटिकल और नेल फाइल कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से डेड स्किन होती है वो वेट हो जाने से जल्दी से रिमूव होती है, तो इस तरीके से क्यूटिकल को इस तरीके से हमें क्लीन करना है। नेल के दोनों की साइड तरफ से आप देख रहे हैं कितना वाइट वाइट वो कचरा जैसा भीगा निकला रहा है, कुछ इस तरीके से उसे क्लीन करना है और क्यूटिकल को ऊपर की तरफ पुश करते रहना है, और फाइलिंग से हम मनचाहा शेप अपने नेल्स को दे सकते हैं। इस तरीके से हर फिंगर के नेल को हमें अच्छे से क्लीन करना है और फिर उसे कपड़े से पोंछ लेना है। फिर एक छोटा सा ब्रश लेके अपने नेल्स को अच्छे से ब्रश कर लेना है। नेक्स्ट, मैंने लिया है यहाँ पर मॉइस्चराइजर क्रीम। आपको ऑप्शन दिया है या आपको जो भी सेट होता है वो मॉइस्चराइजर क्रीम आप लगाते रहिए अपने पैरों के ऊपर, ताकि हमारी स्किन है वो ड्राई ना हो जाए धूप में। इससे सन टैन भी निकल जाता है, डेड स्किन निकल जाती है, और हमारी स्किन है वो बहुत फ्रेश फील करती है। इसी तरीके से हर फिंगर के बीच में, साइड में, ऊपर नीचे, इस तरह से एडिया हमें देखते रहनी है फ्रेंड्स। हर हफ्ते हमें अपनी एडी को हाई हेलो करना चाहिए और उसे अच्छे से क्लीन करना है। नेक्स्ट, मैंने लिया है आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल। आप चाहे तो आप ओलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और डबल लूफा जो आता है लॉन्ग स्टिक वाला, उसे अच्छे से पैर को क्लीन कर सकते हैं। हम चेयर पे बैठ जाएंगे फ्रेंड्स और अपने पैरों को इस तरीके से डबल लूफा से, हमारा तलबे जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है, एडी होती है, इसको अच्छे से प्रेस करके क्लीन कर लेना है, ताकि जो भी डर्ट हो, डेड स्किन हो, सन टैन हो, वो निकल जाए। और कुछ इस तरीके से हमारे पैरों को मॉइस्चराइजर भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है लेग्स को क्लीन करने का। छोटा टॉवल लेकर इस तरीके से अपने पैरों को पोंछ लेना है फ्रेंड्स, और स्किन को एकदम क्लीन कर देना है इस तरीके से। अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद
नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन क्यूटिकल क्लीनिंग पार्ट। इस तरीके से क्यूटिकल को ऊपर का जो हिस्सा होता है नेल का, उसे ऊपर की तरफ पुश करना है थोड़ा, ताकि हमारा नेल है वो थोड़े बड़े हो जाए। उसके बाद इस तरीके से मेकअप पेंट से अच्छे से क्लीन करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कभी कोई कचरा नहीं है। अगेन फ्रेश फील करना है वाटर को और देखना है कि कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, एक बार थोड़ा थोड़ा वार्म लेना है और उसके अंदर ऐड करना है कुछ इस तरीके से। मैंने लिया है ये फ्लामा का फोम, जो कि हमारे पैरों को बहुत फ्रेश कर देता है। नेक्स्ट मैंने लिया है रोज़ वाटर थोड़ा सा इस तरीके से। फिर दोनों पैरों को अंदर फिर मैंने डिप किया है और क्लीन कर रही हूँ। तो हमारा डर्ट साफ़ हो जाने के बाद आप खुद फील करेंगे कि हाँ, मेरे पैरों में कितनी चेंज हुआ है, कितना फ्रेश फील कर रही है मेरे पैरों की स्किन। फ्रेंड्स, तो ये आप हफ्ते में एक बार ना कर सके तो कम से कम, अगेन मैंने थोड़ा रोज़ वाटर डाल के फिर अपने पैरों को क्लीन किया है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से क्लीन हो जाने के बाद मैंने नेल पॉलिश लगा के अपनी रिंग को, जो कि फैशन वाली रिंग आती है, दो तीन रिंग में एक साथ पहन सके कुछ इस तरीके से, दो तीन फिंगर में, तो इस तरीके से मैंने पहन लिया है। आप देख सकते हैं, आप स्किन दिखा रही हूँ मैं आपको कि कितनी लाइटनिंग, वाइटनिंग, ब्राइट हो गई है, कितना फ्रेश फील हो रहा है। आपको अपने नेल्स को बहुत करने हैं ज़्यादा मजबूत, तो ये ग्लिसरीन है, ये बहुत बड़ा वरदान है। तो इस तरीके से ये जो ईयरबड होता है उसको एक साइड से लेकर इसके अंदर डीप करके अपने पैरों के ऊपर लगाना है, एडियों में लगाना है सोते समय, और थोड़ी देर सूख जाए और इसे पॉलिश करके कुछ इस तरीके से, मैं हैंड्स के ऊपर करके दिखाती हूँ, पॉलिश करके एकदम मसाज करके अंदर उतार देना है, ताकि हमारी नेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। पर डेली डेली करने से ये किसी को राज नहीं आता है, या तो सहन नहीं होता है उसे, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत। तो इसे वीकली वंस हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आइए देखते हैं कि पैर में किस तरीके से लगाना है। तो पैर में भी फ्रेंड्स इसी तरह से ग्लिसरीन के अंदर ईयरबड डीप करके हमारे नेल्स के आसपास के हिस्सों में कुछ इस तरह के लगा के, और एडियो के ऊपर लगा के इस तरह से मालिश करना है, ताकि हमारा पैर है वो रिपेयर हो जाए अगर फटी एडिया हो तो। दूसरा टिप है ये, सेकंड टिप है ये फ्रेंड्स के, इसे मॉइस्चराइज़र करते रहना है। आप जो भी यूज़ करते हो मॉइस्चराइज़र करते रहो, ताकि हमारी स्किन है वो डेड ना हो जाए, सूख ना जाए, और हमारी एरिया फट ना जाए, और अच्छे से मॉइस्चराइज़र रहे। तो ये है सेकंड टिप फ्रेंड्स। ये टिप नंबर 3 है फ्रेंड्स के, अगर हमारे पैरों से बदबू आती है तो बाहर जाते समय हमें इस तरीके से पॉन्ड्स पाउडर या तो कोई भी पाउडर जो आपको राज आता है वो यूज़ करने से हमारे पैरों में पसीना कम आएगा और बहुत अच्छे से दिखेगा भी कुछ इस तरीके से। रिमूव सनटेन, वाइटनिंग, लाइटनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्यूटिफुल फ्रेंड।